1 मई 2021 से 18 वर्ष से लेकर जितने भी आयु वर्ग के लोग हैं 18 वर्ष से ऊपर के, वो सारे लोग वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन सरकार ने एक नियम लागू किया है कि आपको वैक्सीन तभी मिलेगी जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। काफ़ी सारे लोगों को आइडिया नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में यही मैं बताऊंगा। देखिए, सरकार ने बेसिकली तीन टाइप के ऑप्शन दिए हैं आपको रजिस्टर करने के लिए। सबसे पहला उनका जो वेबसाइट है उसका नाम है cowin.gov.in। दूसरा नंबर इसमें हमारा ऐप आता है, उसका नाम है उमंग ऐप। और तीसरा नंबर इसमें ऐप है, उसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। इन तीनों ही माध्यम से आप चाहें तो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और 1 मई से आप भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको फ़ोटो आईडी कार्ड लेकर जाना बहुत ही मस्ट है। ये आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा और यही फ़ोटो आईडी आपको फिजिकली भी लेकर जाना होगा जब आप वैक्सीनेशन लेने के लिए जाएंगे। सेकेंड हो गया, इसमें आपका मोबाइल नंबर सही सही डालना है क्योंकि उसी पर मैसेज आएगा और ईमेल आईडी भी आपको हो सकता है मांगेगा। चूँकि इन सारे प्रोसीजर के बाद आपका जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो एक वहाँ से स्लिप मिलेगा, उसको बोलेंगे रजिस्ट्रेशन स्लिप, और इस स्लिप को आपको ले जाकर वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको दिखाना है। अब बात आती है कि किन जगहों पर वैक्सीनेशन होगा, तो प्राइवेट भी होगा, सरकारी भी होगा। अगर आपके स्टेट में सरकारी हॉस्पिटल में ये चीज़ उपलब्ध होगा तो आपको वहाँ का एड्रेस दे दिया जाएगा, आपको वहाँ जाना है। या अगर आपको प्राइवेट में कहीं पे मिला जगह तो आपको वहाँ पर जाना है। ये सारा चीज़ उस स्लिप में लिखा रहेगा। वैक्सीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का राय है, ऐसा उनका कहना है कि जो आने वाला वेव है, सेकेंड वेव में अभी हम लोग गुजर रहे हैं भारत, लेकिन आने वाला थर्ड वेव, हो सकता है फोर्थ वेव भी आए, कौन जाने, उससे बचने का एक ही उपाय है और वो है वैक्सीनेशन। इसीलिए वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। लगभग सारा वैक्सीन सेफ है, अदरवाइज भारत सरकार उसको अलाउड करती ही नहीं। सरकार पर विश्वास तो हमें करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, सीधी सी बात है। तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए और अपने नज़दीकी लोगों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि वैक्सीनेशन लेने का प्रोसीजर क्या है, किस टाइप से हम रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीनेशन ले सकते हैं।